हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेलिस सावल्य और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप मॉनसून में आपके व्हीकल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपके व्हीकल पर डैमेज आने से आपके व्हीकल को बचा सकते हैं। तो ये टिप्स भाई लेटेस्ट टिप्स है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखो और ऐसा ही डेली और अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ भाई अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और व्हीकल्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है मॉनसून सीजन, क्योंकि भाई सर्दियों में तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और समर में भाई आप अपनी बाइक को कवर चढ़ा के रख दीजिए तो भी आपकी बाइक को कुछ नहीं होता। बट वहीं मॉनसून सीजन की बात करें तो मॉनसून सीजन में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे में बाइक के कोई भी पार्ट पर अगर गलती से भी कहीं पर भी पानी टच हो गया, जैसे स्पार्क प्लग्स, ऑल्टरनेटिव, ये सब पार्ट्स पर पानी टच नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर पानी टच हो गया तो भाई आपकी गाड़ी में काफी बड़ा खर्चा भी आता है और गाड़ी कई बार इमरजेंसी में स्टार्ट भी नहीं होती। तो इसलिए मॉनसून सीजन में आपको आपके व्हीकल को अच्छे से प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो आज हम ऐसे कुछ चार पांच ऐसी टिप्स है जिसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके व्हीकल सेफ रह पाएंगे और आपके व्हीकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं इन्हीं टिप्स को। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टिप्स निकल के आती है वो है आपके बाइक हो या कार हो या कोई भी व्हीकल हो उसे सेफ तरीके से पार्क करना। सेफ तरीके से पार्क करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कवर चढ़ा के उसे रख देना। उसका पार्किंग एक पर्सनल आपके पास पार्किंग होना चाहिए भाई, ऐसे ही नहीं कहीं पर रोड पर रख देनी है। क्योंकि हाँ सर्दियों में या समर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मॉनसून में भाई आपकी गाड़ी को ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी भाई गाड़ी है, आपकी लाखों रुपए की चीज है या आपकी हजारों रुपए की चीज है, तो उसके लिए एक अच्छा सा पार्किंग अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपके आसपास अगर कहीं पर रेंट पर भी मिलता है तो भी ले लीजिए। ये भाई 2-3 महीने की बात है। एक अच्छा सा सेफ पार्किंग हो तो आपकी लाखों रुपए की चीज अच्छे से रह सकती है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चोरी वगैरह का डर भी नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक सेफ पार्किंग ढूंढ लीजिए सिर्फ मॉनसून के लिए, बाकी गर्मियों में या सर्दियों में आप गाड़ी को कहीं भी रखें कोई मैटर नहीं करता। और सेफ पार्किंग का मतलब यह नहीं कि आपकी गाड़ी आ गई तो ठीक है, उसके दरवाजे चारों दरवाजे अच्छे से खुल सके इतना बड़ा पार्किंग होना चाहिए, वरना दरवाजे टकराते रहेंगे और उस पर डेंट पेंट आते रहेंगे। तो इससे आपकी गाड़ी की रिसेल वैल्यू भी कम हो जाती है, तो ये चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसी सेफ पार्किंग ढूंढिए जहां अच्छे से जगह भी हो पाए आपकी कार के लिए। तो ये तो हो गई हमारी पहली टिप्स। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप्स की तरफ। तो जो दूसरी टिप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और अगर आप इस टिप का या आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो शायद आपकी बाइक या आपकी जो कार है उसके इंजन के साथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये टिप है ब्लॉक एयर वेज। तो ये चीज क्या है कि अगर आप मॉनसून में अगर आप मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अगर 10 या 15 दिन के लिए गाड़ी पड़ी रहने वाली है, या मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि हमारे इलाके में बाढ़ आ गई है या आपके इलाके में पूरा पानी भर जाता है और अगर आपकी गाड़ी पानी में डूब जाती है, तो ऐसे वक्त क्या होता है कि आपके जो गाड़ी के एयरवेज होते हैं यानी कि आपकी गाड़ी के जो इंजन होता है उसमें जहां से एयर जाती है उस वे में थोड़ा बहुत पानी चला जाता है और वो पानी इंजन में ही रह जाता है। अब वो पानी एक बार इंजन में चला गया यानी कि वहां जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उसमें वो रस्टिंग मार देता है और वो रस्टिंग जो है वो आपके वाल्व और सभी चीजों पर लगने के बाद वो एक तरीके से बेंट हो जाती है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि मॉनसून में गाड़ी पड़ी रहने के कारण आपके इंजन के वाल्व बेंट हो जाते हैं और आपका इंजन सीज हो जाता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी पानी भर रहा है और अगर आप मॉनसून में स्पेशली बाहर जाते हैं काफी दिनों के लिए, तो आपके जो एयर फिल्टर के आगे का जो एयर वे होता है जहां से इंजन में हवा जाती है वहां कुछ ऐसा पॉलिथीन टाइप या जो पीवीसी पाइप को ढकने के लिए जो ऐसा कवर टाइप आता है उसे वहां पर लगा दीजिए, अच्छे से फिट करके सेलो टेप भी लगा दीजिए जिससे कि पानी उसके अंदर ना जाए।
इसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी। और टू व्हील में खास करके ये प्रॉब्लम होता है, फोर व्हील में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट हाँ ऑन अ सेफर साइड आपको ये करना चाहिए। और हो सके तो एग्जॉस्ट जो होता है वहां भी पॉलीथीन लगाकर उसे ढक दीजिए। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है अगर आपके इलाके में पानी भरता है या आप मानसून में बाहर जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी तीसरे नंबर की टिप्स की तरफ। तो जो हमारी अगली टिप है वो है प्रॉपरली कवर अप योर व्हीकल। अब यार कवर अप का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी को सिर्फ कवर चढ़ाकर उसे रख देना है, इसे प्रॉपरली कवर अप नहीं कहते। अगर आप कवर अप करते ही है तो भाई उसे पूरा अच्छे से कवर अप कीजिए, उसके जो भी बेल्ट आते हैं उसे अच्छे से फिट कीजिए और ये चीज का नोटिस कीजिए कि वो कवर पवन से या ऐसी कोई भी चीज से उठे ना, वरना कई बार कैसा होता है कि भाई हवा आती है और पूरा कवर उड़ के चला जाता है। तो प्रॉपरली जो अच्छा कवर आता है कंपनी की तरफ से उसे ही यूज कीजिए। और कवर अप करते वक्त एक एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि बारिश आती है, मान लीजिए बारिश आई और अगर आपने आपकी गाड़ी को कवर ढककर रखा है बट कवर कहीं से ऐसा फट गया है या कहीं पर ऐसे स्टिचिंग के वक्त थोड़ी बहुत जगह है, वहां से पानी कई बार अंदर चले जाता है और वो किसी भी पार्ट में पानी ऐसे ही जमकर रह जाता है। बाद में होता क्या है कि उस पार्ट पर थोड़ी बहुत रस्टिंग आना चालू हो जाती है या तो वहां का जो पेंट होता है वो पीला पड़ जाता है, तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी की लुकिंग काफी ज्यादा बेकार हो जाती है और आपका पेंट भी पूरा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो आपको एक चीज को नोटिस करना है कि आप जब भी आपकी गाड़ी को कवर अप करके रखें उसके बाद एक बार जब भी बारिश चली जाए बाद में उसे एक बार भाई कवर को उठाकर देख लेना है कि कहीं पर पानी नहीं भरा है, और हो सके तो भाई आधा एक घंटे के लिए उस कवर को थोड़ा सा दूर में निकाल कर दूर रख दीजिए जिससे कि गाड़ी अच्छे से सूख जाए और उसके किसी भी पार्ट में पानी ना रह जाए। वरना कई बार होता क्या है कि ओनर तो उसे ढक कर रख देते हैं बट कवर टूटा होने की वजह से कई बार काफी ज्यादा पार्ट्स रस्टिंग खाने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी टिप्स नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट काफी अच्छी टिप की तरफ जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये गलती काफी सारे लोग करते हैं जो कि है वॉशिंग योर व्हीकल्स इन ड्रेन। अब कई लोग क्या करते हैं कि बारिश आते ही अपने गाड़ी को बाहर लगा देते हैं कि भाई गाड़ी अच्छे से धुल जाएगी। तो हाँ आपकी ये गलती नहीं है कि आप गाड़ी को बारिश में धोते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अगर सीधा ही आ रहा है तो काफी ज्यादा साफ होता है पानी और ये पानी से गाड़ी अच्छे से धुल भी जाती है। तो भाई इस चीज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट गाड़ी धोने के तुरंत बाद आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो पानी है उसे कोई एक सूखे कपड़े से पोंछना पड़ता है, वरना वो पानी वहीं के वहां रह जाता है और वहां जो है धूल मिट्टी लग के पूरे स्पॉट्स हो जाते हैं और इससे आपके पेंट पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी जितनी अच्छी दिखेगी उतनी ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। आपने पर्सनली भी ऐसा नोटिस किया होगा कि आप जब भी आपकी गाड़ी को बेचने जाते हैं यानी कि आप यूज गाड़ी को बेचने जाते हैं तो वहां आपकी गाड़ी को अंदर से देखने की वजह बाहर से देख के ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस चीज के लिए ही आपकी गाड़ी को अच्छे से टेक केयर करना काफी ज्यादा जरूरी रहता है, वरना आप मॉनसून में भाई 2-3-4 हजार रुपए के पार्किंग को रेंट करेंगे बट इससे आपकी गाड़ी की रिसेल वैल्यू में 50-60 हजार या लाख रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी दिखेगी अच्छी तो बिकेगी अच्छी। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। भाई इस सभी टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है बट जाने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ऐसा नॉलेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगे तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके वहां तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।